को मिला कार्तिक को नायरा का। आज वापस दोनों मंदिर आए हैं और वापस वही मन्नतें, साथ निभाने की, साथ रहने की मन्नतें। यस, एक तो है कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ही इज गॉन बैक टू गोइंका, शी इज गॉन बैक टू सिंघानिया सदन, तो यहाँ पर एक बहाना भी है, दोनों वापस आके मिले हैं, दोनों प्रे कर रहे हैं साथ में, तो एक बहाना भी है कि साथ में एटलीस्ट उतना टाइम बिताए, तो वो हो रहा है, वेरी वेरी क्यूट रोमांटिक मोमेंट जिसके बीच कुछ होता है। क्या होने वाला है वो नायरा बताएंगे, क्या हुआ है इन रोमांटिक मोमेंट्स के बीच में। कोई हमें देख लेता है और वो शख्स होती है वेदिका, वो हमें देख लेती है और नायरा को वो दिखती है, मतलब नायरा को लगता है कि वेदिका है, वो कार्तिक से बात कहती भी है, लेकिन कार्तिक बोलता है कि नहीं वो नहीं होगी, कोई और होगा, तो फिर बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली बात ये है कि एक दिन पहले ही डिवोर्स की बात हुई है, तलाक पेपर साइन किए हैं और उसके तुरंत बाद ही शी सीज द क्लोजनेस कार्तिक नायरा की, कि इतनी जल्दी क्लोज हो गए, इतनी जल्दी फाइनली मान गए, तो मतलब मेरे लिए वेट कर रहे थे, वो एक चीज़ जो है वो अब उन्हें खटकी है। अच्छा, वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है, सब लोग हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब फाइनली कार्तिक नायरा का मिलन हो जाएगा, वेदिका ने आपको तलाक दे दिया है और अब वो खुद आप दोनों के रास्ते से हट गए हैं और बहुत जल्द आप दोनों पुनर्विवाह करेंगे, सारे फैंस वेट कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी में भी ट्विस्ट है, इतना आसान नहीं होगा कायरा मिलन इस बार। जो हमने अभी प्रोमो में भी देखा है, द प्रोमो विच इज ऑन एयर, जहाँ पर फैमिली खुश है कार्तिक नायरा कायरा, वन सडनली कार्तिक वेदिका को जाकर कहते हैं कि जैसा तुम चाहती हो वही होगा, इट्स अ डील, तो वो क्या डील है, क्या शर्त रखी है वेदिका ने, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं। मैं बता सकता हूँ क्या है, चलिए पूछ लेते हैं, डायलॉग नहीं है ना। सो जो कुछ होने वाला है अब नायरा के साथ, तो जिस तरीके से वेदिका आपके सामने शर्त रखेंगी कि नायरा को बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी ऐसा होता है। डोंट डोंट बोले 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 एक्सप्रेशन दे रही है, देखो ऐसा है। हाँ चलिए, अब चलिए वो नहीं पूछने देते थे कि कितना डिफिकल्ट होगा और क्या कायरा मिलन होगा या फिर कायरा मिलन तो हो गया, कायरा मिलन इज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर फैमिली, कायरा विवाह हो गया या नहीं है पता। अच्छा एक चीज और, बहुत ही क्यूट क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स अब आने को, बहुत सारे मोमेंट्स आने वाले हैं फैंस के लिए, जैसे आज आप दोनों मंदिर में हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, धागा बांध रहे हैं पेड़ के पास, आपने बहुत ही क्यूट तरीके से तिलक लगाया लेकिन नाक पे थोड़ा सा रंग गिर गया, बोलते हैं नाक पे अगर गुलाल गिर जाए तो सास बहुत ज्यादा प्यार करती है, शुभ होता है। अभी कई लोग, हर लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, कहीं बोलती है सास बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं बोलते हैं हस्बैंड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सास तो है नहीं, मेरी माँ तो बचपन में चल बसी होती है। ये भी तो स्वर्णा माँ सास नहीं, सास ना आ चाहो टेक्निकली तो हाँ, आप बताइए तो क्या आपने क्या मतलब गिरता है तो लड़के के पापा की सेकंड वाइफ बहुत प्यार करती है, आपने क्या मतलब निकाला, ये अभी दूसरे जोन में कि हस्बैंड बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये तो कार्तिक कितना प्यार करते हैं, शुभ आई थिंक शुभ है जो नाक पे गिरना वो दिखाया कि एक शुभ है, बट एट द सेम टाइम उस शुभ में जैसे ही पीछे फोकस शिफ्ट होता था वहां पे वेदिका देख लेती है, सो यस दैट इज द। अच्छा एक लास्ट सवाल, बहुत ही जल्द एक छोटा सा ट्रांजिशन लीव भी आने वाला है शो में, जिसमें आपका जो डिवोर्स पीरियड है, जिसमें एक म्यूचुअली आप दोनों को साथ में रहने को कहेगी कोर्ट आपको और वेदिका को, वो 6 महीने कैसे निकलने वाले हैं कार्तिक वेदिका और नायरा के लिए, उस बीच ऐसा क्या होने वाला है। टू मच हो गया, कुछ नहीं बोलते दोनों यार कैसा।